हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रिपोर्टर्स लाइव में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स और संवाददाता जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज पूरे दिन भर में क्या कुछ खास और क्या कुछ बड़ा रहेगा। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ से उत्पल सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सबसे पहले प्रदीप आपका रुख करूंगी, उत्तर प्रदेश में आज खबरों के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ बड़ा रहेगा? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला माल जो है लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे खुलने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1700 करोड़ रुपए है। और ये केरल के बाद उत्तर प्रदेश में मतलब देश का दूसरा महिला माल होगा, जहां पर महिलाओं की सुविधाओं के साथ साथ महिला जो है अपने तरीके से खरीदारी कर सकेंगी, जहां पर उनको कोई पुरुष व्यक्ति नहीं मिलेगा, अपने आप में कंप्लीट शॉप होगी, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार ने उठाया। अगर दूसरे खबर की बात करें, 700 ATM उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन करके केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार साथ ये कोलैबोरेशन करके इस अभियान की शुरुआत की है, जो कि जनवरी फरवरी तक जो है शुरू हो जाएगा। अगर तीसरे बड़ी खबर की बात करें तो मनीषा, आज जो है जेपी नड्डा कल गोरखपुर में हुंकार भरने के बाद आज कानपुर में जो बूथ अध्यक्ष उनको मूल मंत्र देंगे, जीत का कैसे जीत को भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नंबर के साथ जीत जो है हासिल कर सकती है। इसके अलावा 7 वर्चुअल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का जो है उद्घाटन खुद जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। तो ये 4-5 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज नेटवर्क 10 की जो है नजर दिन भर बनी हुई है। जी ठीक प्रदीप, अपनी नजर इन तमाम खबरों पर, इन बड़ी खबरों पर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सीधा रुख कर लेते हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उत्पल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज खबरों के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण क्या कुछ बड़ा रहेगा? छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो राजधानी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों से जो निवेशक है उनको 2,46,00,000 रुपए वापस करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की पैसा वापसी करने के लिए, इनकी जो चिटफंड कंपनियों के जो संचालक है उनकी जमानत संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए थे, जिसका नतीजा ये अब दिखने लगा है। राजनांदगांव के जो कलेक्टर है तारण प्रकाश सिन्हा, उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में जो चिटफंड कंपनियों के निवेशक है उनको ये पैसा 2,46,00,000 रुपए रिटर्न किए जाएंगे। चिटफंड कंपनियों के संचालक है उनकी संपत्ति कुर्क करने के बाद 2,46,00,000 रुपए हासिल हुआ है, जिसको अब ये जनता को, निवेशकों को मुख्यमंत्री के वर्चुअल उद्घाटन वर्चुअल शामिल होंगे, जहां पर ये मुख्यमंत्री के द्वारा ये निवेशकों को रिटर्न किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश में कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई चीजें सामने निकल कर आई, जिसमें पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो गया प्रदेश में। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर जो है, हुक्का बारों को बंद कर दिया गया है। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में 1500 से ज्यादा हुक्का बार है। इसके साथ ही सिर्फ रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर में 150 से ज्यादा हुक्का बार है, जो अब बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही सबसे बड़े निर्णय जो लिया गया है कि प्रदेश में 100% यानी कि पूर्ण रूप से स्कूल खोले जाएंगे, जो कि आज से तत्काल प्रभाव से मंगलवार से लागू हो चुके हैं। पहले अगस्त के पहले सप्ताह में यह निर्णय लिया गया था कि 50% यानी 50% क्षमता के साथ ये स्कूल खोले जाएंगे, और वो भी अल्टरनेट के माध्यम से। तो बच्चे लोगों को आदत डालना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 2 साल से सब बच्चे घर ही में थे, हफ्ते में एक या दो ही दिन स्कूल जा पा रहे थे, लेकिन अब आज से पूरे 100% खुलेंगी। अगर मैं तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन प्रदेश में कम होता जा रहा है। 15 जिले ऐसे हैं जो शून्य के कगार पे हैं, और सिर्फ 35 प्रदेश में आंकड़े आए हैं जो अभी एक्टिव है। इसके साथ ही रायपुर की बात करूं, रायपुर में सिर्फ 2 का आंकड़ा है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 290 ऐसे एक्टिव मरीज है जिनका घर में या अस्पताल में, अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही चौथी बड़ी खबर की बात करें तो सूरजपुर जिले में 6 हाथियां बेहोश मिली है। दरअसल सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक के गांव में बीते दिनों 30 हाथियों का दल घुसा था, जो कई घरों को क्षतिग्रस्त किए थे, साथ ही राशन भी खा गए थे। ठीक उत्पल, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।